नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि चेहरे के गड्ढे बढ़ने के कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिसके जरिए आप चेहरे के गड्ढे आसानी से भर सकते हैं। तो बिना कोई वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उपाय बताने से पहले आप सभी लोगों के लिए चेहरे के गड्ढे होने के कारणों का पता लगना आपको बहुत ज़रूरी है। तो आखिर ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसके कारण हमारे चेहरे पर गड्ढे हो जाते हैं? तो उसके कुछ कारण मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, जिनको आप ध्यान में ज़रूर रखें ताकि इन उपायों को अपनाने के बाद जब आपके गड्ढे ठीक हों तो दोबारा ये भविष्य में कभी ना हो पाए। उसके क्या कारण होते इस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो जाए। तो दोस्तों, पहला कारण होता है फोड़े पुंसी होने की वजह से चेहरे पर गड्ढे या गड्ढे की समस्या हो जाती है। ये पहला कारण है। दूसरा कारण है पिंपल्स का इलाज होने के बाद भी फेस पर गड्ढा और दाग के निशान पड़ जाते हैं। यानी कि अगर आपके पिंपल्स हुए थे, आपने उसका इलाज किया, अगर वो साफ हो गए लेकिन उसके बाद भी गड्ढे या दाग के निशान तो रह ही जाते हैं। तीसरा जो उपाय है वह है चेहरे पर जलन, कटने या चोट लगने की वजह से भी चेहरे पर गड्ढे पड़ सकते हैं। इसके अलावा चेचक का रोग, जिसे हम माता निकलना यानी कि चिकन पॉक्स कहते हैं, इसमें चेहरे पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। इन दानों के ठीक होने के बाद भी चेहरे पर गड्ढे दिखाई देने लगते हैं। तो ये थे वो मेन रीज़न जिसकी वजह से चेहरे पर गड्ढे होने लगते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं इसके इलाज की यानी कि ट्रीटमेंट की। तो पहला ट्रीटमेंट है चेहरे के गड्ढे भरने के लिए अगर आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हैं तो इसके लिए डॉक्टर अलग अलग तरीके से आपका इलाज करते हैं, जैसे कि मेडिसिन से, लेज़र ट्रीटमेंट से, क्रीम से। चेहरे के गड्ढे का इलाज करने के ये तरीके कुछ महंगे हो सकते हैं लेकिन इनसे आपका इलाज हो सकता है। दूसरा जो उपाय है फेस के गड्ढे मिटाने की जो क्रीम या मेडिसिन अक्सर हम घर में इस्तेमाल करते हैं, इनसे कई बार फ़ायदा होने की बजाय नुकसान भी हो जाता है। इसका प्रमुख कारण है कि ये केमिकल युक्त होते हैं जो स्किन को ख़राब कर सकते हैं। तीसरा इलाज है आपकी त्वचा अगर ज़्यादा संवेदनशील है तो किसी भी तरह की क्रीम लगाने या फिर गड्ढे मिटाने के उपाय करने से पूर्व उसे त्वचा पर किसी और जगह लगाकर जांच जरूर कर लें, क्योंकि अगर आपकी स्किन उसको सूट नहीं करती है तो आप डायरेक्ट उसे गड्ढों पर ना लगाएं, हाथ की स्किन पर लगा के देख लें। जो भी साइड इफ़ेक्ट होना होगा वो आपके हाथ पर हो जाएगा, और ताकि आप उसे देखकर ये समझ जाएं कि ये आपके स्किन को सूट नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसके कुछ उपाय आपको बताते हैं। ये तो था इलाज, अब इसके कुछ ऐसे उपाय आपको बताते हैं जिसको अपनाने से चेहरे के गड्ढे आप मिटा सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, नींबू के पेड़ के पत्तों को पीसकर इसमें समान मात्रा में हल्दी का पेस्ट मिला लें और अपने चेहरे पर मलें। हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो गड्ढे जल्दी भरने में कारगर हैं। अगर नींबू के पेड़ के पत्ते ना मिले तो आप नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नुस्खे को 2 हफ्तों तक करें, गड्ढे हो या गड्ढे सब गड्ढे नहीं हो सब भरने लगेंगे। दूसरा उपाय है दोस्तों, विटामिन ए ऑयल और एलोवेरा को मिलाकर फेस पैक बना लें और इसका प्रयोग करें। चेचक के कारण हुए गड्ढों को हटाने और चेहरे के दाग पिंपल साफ करने में ये फेस पैक काफ़ी उपयोगी होता है। सही तरीके से इस उपाय को निरंतर करने पर कुछ ही दिनों में पुंसी, मुहासे और गड्ढे के निशान धीरे धीरे आपके चेहरे से साफ होने लगते हैं। तीसरा उपाय है चेहरे के गड्ढे भरने के उपाय में दूध, नींबू का रस और बेसन मिला लें और इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं। इस पेस्ट के सूखने के बाद चेहरा धो लें। इस होम रेमेडी से त्वचा में कसाव आने लगता है और पिंपल्स हटाने में यह काफ़ी उपयोगी है और इससे गड्ढे भी साफ होने लगते हैं। चौथा उपाय है मुल्तानी मिट्टी, नींबू का रस और गुलाब जल मिलाकर आपको पेस्ट बनाना है, उसके बाद इसको आपको अपने फेस पर लगाना है। इस घरेलू उपाय से भी आपके गड्ढे जल्दी भरने लगेंगे और इसका इलाज आसानी से हो पाएगा। पांचवा उपाय है चेहरे के दाग धब्बे और गड्ढे मिटाने के लिए नींबू के रस की कुछ बूंदें दही में मिलाकर आप चेहरे पर लगा सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय से गड्ढे के निशान भी गायब होने लगते हैं। अब इसको हटाने का कुछ और तरीके भी आपको बता देते हैं टिप्स के तौर पर। तो दोस्तों, वो ये है कि चेहरे पर कोई फुंसी या पिंपल्स अगर निकल आए तो बार बार इसे आपको हाथ से बिल्कुल नहीं छूना है और ना ही इसे पकने से पहले इन्हें फोड़ना है, क्योंकि ऐसी दिशा में आपके ये
चेहरे के गड्ढों को और बढ़ा सकते हैं। दूसरी टिप्स है कि कील मुहासे ठीक हो जाने के बाद इसकी पपड़ी कभी हाथ से ना हटाएं। ऐसा करने से मुहासे के जो दाग और गड्ढे पड़ जाते हैं वो लंबे समय तक बने रहते हैं और फिर इन गड्ढों की परेशानी आपको आने वाले टाइम में दोबारा सामना करना पड़ सकता है। डाइट में आपको हरी सब्जियां, फल और ज़्यादा खाना चाहिए। इससे त्वचा को जरूरी पोषण मिलेगा और स्किन ब्यूटीफुल रहेगी। इसके अलावा जंक और ऑयली फूड खाने से तो आपको बिल्कुल ही परहेज करना है, क्योंकि यह गड्ढों को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। चेहरे के गड्ढे से बचने और गड्ढे मिटाने के घरेलू उपाय के लिए आप अपने आहार में विटामिन ए, विटामिन सी, फैटी एसिड युक्त खाद्य पदार्थ को भी शामिल कर सकते हैं। और दोस्तों जो आखिरी टिप है वो ये है कि सप्ताह में कम से कम 1 से 2 बार त्वचा को स्टीम दे। जी हाँ दोस्तों, ताकि फेस से धूल मिट्टी साफ हो जाए। इसलिए आप थोड़ा चेहरे की सफाई अच्छी तरह से अगर करेंगे तो आपको ये गड्ढे की समस्या दोबारा नहीं होगी। इस उपाय से बार बार पिंपल्स आने की समस्या भी आपकी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। तो दोस्तों ये थे वो उपाय, वो टिप्स जिनको अगर आप ठीक तरह से फॉलो करेंगे तो आपके चेहरे के जो धब्बे हैं या फिर गड्ढे हैं वो भर जाएंगे और बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।